वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो आप आगे जाके और भी लोगों के साथ शेयर करना। तो फिलहाल मैं आया हूँ आज शनिवार वाड़ा। तो शनिवार वाड़ा आपको मालूम है क्या है? अगर नहीं है तो आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें फेमस डायलॉग था वो टाइम पे, जीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। तो ये एक्चुअली ये स्टोरी यहाँ से उन्होंने ली थी और वो बाजीराव मस्तानी मूवी बनाई थी। तो आज मैं आया हूँ शनिवार वाड़ा। शनिवार वाड़ा इसलिए बोलते क्योंकि जब भी ये शनिवार वाड़ा बना रहे थे तभी वो टाइम पे उन्होंने मुहूर्त निकाला था जिसमें शनि मतलब सैटरडे आ रहा था, तो इसके लिए उसको शनिवार वाड़ा करके उन्होंने नाम दिया इसको। प्लस अभी अगर आपको ये शनिवार वाड़ा देखना है तो आपको पुणे आना पड़ेगा, जो बाय ट्रेन बाय रोडवे दोनों वे अवेलेबल है यहाँ पे आने के लिए। पहले यहाँ पे पार्किंग चार्जेस वगैरह नहीं था, मतलब अभी भी नहीं है पार्किंग का चार्जेस, लेकिन हाँ कैमरा अलाउड नहीं है जो कि पहले अलाउड था। और अभी एंट्री फीस 25 रुपीज़ है पर हेड, और ऊपर से फॉरेनर्स आएंगे तो उनको 300 रुपीज़। अंदर आप देखोगे तो कुछ भी बचा नहीं है, सब पता है बैरल लैंड जैसा दिखता है। और गार्डन मोस्ट ऑफ जो एंट्री है वो एंट्री ही आपको शनिवार वाड़ा का एक प्रॉपर दिखेगा, और वही एक चीज़ बचा है। अंदर आओगे तो कुछ नहीं है, सिर्फ गार्डन है, मतलब आप अपने फैमिली के साथ बच्चों के साथ एकदम टाइम स्पेंड करने को आ सकते हो। ग्रीनरी और थोड़ा छाव धूप, मतलब समर में जैसा है वैसा आप यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, थोड़ा शांत जगह मिलने के लिए यहाँ पे आ सकते हो। बाकी देखने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, मतलब आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 4 दरवाजे थे तभी वो टाइम पे, दिल्ली दरवाज़ा जिसको मेन दरवाज़ा बोलते हैं, फिर बाद में गणेश दरवाज़ा, फिर खिड़की दरवाज़ा, ऐसे 4 दरवाज़ा मेन है। और इसको एक हॉन्टेड प्लेस भी बोला जाता है जब 7 बजे के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि जब भी ये शनिवार वाड़ा बनाया था ये 1736 में शनिवार वाड़ा बनाया था, और पेशवा बाजीराव के जाने के बाद यहाँ के लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया, जो उनके संत थे उन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया, तो फिर जो ध्यान नहीं देने के वजह से वो लोगों ने इनको, जो लोग अंदर थे शनिवार वाड़ा में जो लोग थे, इनको ज़िंदा जला दिया गया वो टाइम पे 18 में जला दिया। उसकी वजह से कुछ भी बचा नहीं है, बहुत दिन तक जला। इसके लिए इसको अभी भी, आज भी अगर आप बोलोगे तो रात को इसमें हॉन्टेड का आवाज़ आता है। हॉन्टेड प्लेस इसके लिए बोलते हैं कि रात को इसमें रोने चिकने का आवाज़ आता है। बाकी इसमें आप कुछ बचा नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पे एक फैमिली चार्ट दी हुई है जिस चार्ट में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बाजीराव मस्तानी कितने बच्चे थे, उनकी वाइफ कितनी थी, वो फैमिली ट्री मेंशन किया हुआ है, वो अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा एंड तक। बस बाकी ये आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर करता हूँ, आप भी टाइम निकल के थोड़ा बहुत आ जाओ देखने के लिए। कि मैं तो बोलूँगा कि अभी कुछ बचा ही नहीं है अंदर, सिर्फ बाहर का जो व्यू है वो एक ही अच्छा है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है जहाँ पे आप ऊपर जाके देख सकते हो जो पुराने चीज़ें थोड़े है, टैंक जो कैनन रहता था, कैनन का टैंक रहता था, वो भी अभी है नहीं यहाँ पे, दो है एकदम छोटे छोटे है देखने जैसा। बाकी कुछ चीज़ मैं एक्सप्लोर करूँगा और आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो फैमिली ट्री जहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जहाँ पे लिखा है बाजीराव उनके 2 बीवी, फिर उनके कितने सन थे वो यहाँ पे लिस्ट में दिया है, फिर मस्तानी के कितने सन थे वो यहाँ पे, तो वैसे फैमिली ट्री मेंशन किया हुआ है यहाँ पे चार्ट पे। वो जो चेयर लगाया दिख रहा है ना आपको, वो एक्चुअली रात को 7 o'clock को शो होता है, वो शो के लिए है। वहाँ पे बैठ के आप शो देख सकते हो, उनका पूरा हिस्ट्री यहाँ पे दिखाएंगे लाइव शो में। ये अगर ऊपर आपको घूमना है तो ऊपर जाने के लिए इन्होंने स्टेयर्स रखा हुआ है पहले का, वो स्टेज अभी भी है लाइव, तो आप यहाँ पे जाके ऊपर का पूरा राउंड घूम सकते हो। ये देखो, तो आप यहाँ से स्टेज से चढ़ के ये ऊपर, आप ऊपर से यहाँ से ऐसा उधर 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 घूम सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 4 दरवाजा है, उसमें से 1 दरवाजा ये,
इस पे नाम भी लिखा हुआ है। तो गाइस फाइनली मैंने आपको जो सारी चीज़ें बता दी है और मैंने भी एक्सप्लोर कर लिए, मैं पहले भी आया था लेकिन बाहर से देखा था, अंदर आया नहीं, तो आज मौका मिला अंदर आके देखने का। सो अभी मुझे तो इतना ख़ास नहीं लगा अंदर का चीज़, जो मेन जो अट्रैक्शन है इधर का और जो मेन चीज़ है वो मेन गेट ही है, बाकी का इधर तो अंदर कुछ भी बचा नहीं है। तो मैंने भी आपके साथ मैक्सिमम चीज़ें शेयर कर दी, तो बस अब निकलने का वक्त हो गया है, मैं निकलता हूँ। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।